नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं लाइव टीवी समाचार। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर। हरदोई से सरकार द्वारा कानून में संशोधन कर पुत्रियों को पुत्रों की तरह पिता की संपत्ति में हिस्सा निर्धारित किए जाने से लोगों में खलबली की स्थिति मची हुई है। ऐसे में शातिर दिमाग के लोग पुत्रियों के हिस्से में लगातार खलल डालते देखे जा सकते हैं। ऐसा ही एक मामला तहसील संडीला के गाँव नारायणपुर सूटा में प्रचलित है। इस गाँव में निवासी रघुवीर उम्र 80 वर्ष, पुत्र पूरन के सुनीता नाम की एकमात्र पुत्री है, जो उनकी संपूर्ण चलचल संपत्ति की इकलौती वारिस है। उसके परिवार के ही जगदेव, राजकिशोर आदि जो कि रिश्ते में भाई भतीजे हैं, उनकी संपत्ति पर गिद्ध दृष्टि लगाए हुए हैं। ये लोग रात दिन उनकी पुत्री का हक हकूक मारकर स्वयं मालिक बनने का प्रयास कर रहे हैं। इसकी शिकायत पीड़ित पुत्री ने जिलाधिकारी हरदोई समेत तमाम आला अधिकारियों से की है, लेकिन प्रशासन द्वारा शिकायत पर कोई ध्यान न दिए जाने से एक महिला अपने हक के लिए दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। पीड़ित सुनीता ने बताया कि उसके पिता गंभीर रूप से बीमार हैं। उनके भतीजे लगातार उनसे बैनामा कराने के लिए प्रयासरत हैं। ऐसे में जिला प्रशासन को तत्काल महिला हित में कदम उठाकर न्याय दिलाया जाए। हरदोई से चंद की राम मिश्रा की रिपोर्ट। तहसील पुलिस के पास बहुत हम प्रयास कर रहे हैं, जा रहे हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं है। कब से आप तहसील जा रहे हैं? साल भर से। साल भर से जा रहे हैं? हाँ। यही मामले लेके? हाँ, यही मामले। कोई सुनवाई नहीं कर रहा? कोई सुनवाई नहीं।